वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी पढ़ेंगे इंग्लिश और उर्दू का, तो देखते हैं और इसको मतलब और अच्छे से समझते हैं, मतलब इंग्लिश वर्ड का उर्दू मीनिंग क्या होता है और उसका रूट वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड हम लोग का वक्त है, वक्त कहते हैं इंग्लिश में इसको टाइम। ठीक है, लेकिन इस वक्त का सिर्फ एक ही इंग्लिश नहीं होता, डेट भी इसका मीनिंग निकलता है, ओकेशन भी निकलता है, जंक्चर भी निकलता है, मोमेंट भी निकलता है, इंस्टेंट भी निकलता है। ठीक है, तो इस वक्त का इतने मीनिंग है और भी है नेक्स्ट पेज में, लेकिन उसको देखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो टाइम कहते हैं मौका। ठीक है, वक्त तो है ये मीनिंग, लेकिन एक और बोलते हैं ना, मेरा टाइम आने दे तब तेको बताएंगे, यानी मेरा मौका आने दे उसके बाद तेको दिखाते हैं। तो टाइम का मीनिंग हो गया एक मौका भी, और आगे है वक्त, वो है वक्त कहते हैं किसको, यहाँ डिफाइन किया जा रहा है, वक्त वो है जिसे हम मिनटों घंटों दिनों और सालों में नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का डेट। डेट भी वक्त का ही मीनिंग है, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पे है मुद्दत। डेट कहते हैं मुद्दत को, यानी ड्यूरेशन। ए डेट इज़ ए स्पेसिफिक टाइम, यानी एक स्पेसिफिक टाइम का जो ड्यूरेशन होता है ना उसको कहते हैं मुद्दत, यानी उसको इंग्लिश कहते हैं डेट, कि इस डेट पर ये काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का ओकेशन। ओकेशन कहते हैं एक ख़ास वक्त जब कुछ होता है। द जंक्चर वक्त का एक ख़ास नुक्ता या आयन वक्त, यानी एग्जैक्ट वक्त, एग्जैक्ट टाइम को कहते हैं जंक्चर। मोमेंट कहते हैं आन लम्हा, वक्त की एक बहुत मुख्तसर मुद्दत, मुख्तसर यानी शॉर्ट, मुद्दत यानी ड्यूरेशन। टाइम का एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन को मोमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इस मोमेंट का, देखेंगे इस मोमेंट का क्या डीप मीनिंग है। ठीक है, रूट वर्ड से देखेंगे। इंस्टेंट, इंस्टेंट कहते हैं पल भर। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना पल भर में, वही है इसका मतलब, इंस्टेंट यानी पल भर, और इसका वक्त का एक बहुत ही मुख्तसर लम्हा। ठीक है, तो लम्हा को कहते हैं इंस्टेंट, वक्त मुख्तसर लम्हा को इंस्टेंट कहते हैं। लम्हा हुआ मोमेंट, अगर लम्हा और छोटा है तो उसको बोलेंगे इंस्टेंट, यानी फौरन जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेडली। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे है सीज़न। वक्त का मीनिंग सीज़न भी होता है, यानी कुछ मुद्दत। सीज़न का मीनिंग क्या है, कुछ मुद्दत, कुछ अरसा, कुछ रोज़। रोज़ माने होता है डेज, कुछ माने होता है दिन, सम डेज़ या कुछ दिन। चंद रोज़, चंद माने होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिटिल, और उसका रोज़ कहते हैं लिटिल डेज़, अच्छा जो भी हो। या नेक्स्ट हम लोग का कई एक दिन। अच्छा, ये थोड़ा सा अजीब टेक्निकल है, समझ में नहीं आती है बात की, मतलब ये कैसा बात कहा जा रहा है, एक कई एक दिन। एक दिन तो ठीक है, सीज़न यानी कई प्लूरल है, एक सिंगुलर है, अब उसके बाद दिन जो है ये आ रहा, तो कई एक दिन मतलब प्लूरल सिंगुलर और उसके बाद नाउन। तो ये बहुत अजीब ही मीनिंग है, दिया हुआ था लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन इसका मीनिंग कुछ सेंस नहीं आया अभी तक फ़िलहाल। नेक्स्ट है हम लोग का पीरियड। पीरियड कहते हैं वक्त को, एक मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे और भी मीनिंग है जो दिया गया, वक्त का एक हिस्सा को कहते हैं पीरियड। तवालत या तूल, वक्त की लंबाई को कहते हैं पीरियड। ठीक है, कि ये बोलते हैं ना एक पीरियड 45 मिनट का हम लोग स्कूल में होता है, तो वो जो है वो वक्त की लंबाई है, कि मतलब एक वक्त कितना लंबा जा रहा है, तो 45 मिनट लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का टर्म। टर्म कहते हैं वक्त को मीनिंग, लेकिन यहाँ पर मियाद है, मियाद, मीकात, वक्त की मुकर्ररा मुद्दत, द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अच्छा ठीक है नहीं देखेंगे। स्पैन, स्पैन कहते हैं थोड़ा अरसा। ठीक है, एक वक्फा, दो तारीखों या वाक़यात के दरमियान की मुद्दत। एक वक्फा को कहते हैं स्पैन, दो तारीखों यानी दो डेट, यानी दो से पाँच तारीख या वाक़यात के दरमियान, यानी आज एक फंक्शन हो रहा है, परसों एक फंक्शन हो रहा है, दोनों के दरमियान की वक्त की मुद्दत, वक्त का जो ड्यूरेशन हो रहा है उस ड्यूरेशन में कहते हैं स्पैन, माने ये कोई लंबी चीज़ है। ठीक है, इवेंट, इवेंट आ रहा है इसमें, तो इवेंट में आप अंदाजा लगा लो कि मतलब कितना इसमें, कितना इसमें मतलब ड्यूरेशन की बात की जा रही है। तो जब इतना लंबा ड्यूरेशन रहेगा तो इसको ये कहेंगे, मतलब वक्त में भी ना बहुत मतलब फ्रैक्शन है, कि अगर इतना फ्रैक्शन रहेगा तो इसको ये नाम है, इससे इतना फ्रैक्शन है तो ये नाम है, जैसे आप एक साल के लिए छुट्टी ले रहे हो तो उसका अलग ही नाम हो। नेक्स्ट हम लोग का वक्त कहते हैं आवर को, आने दे वो वक्त, वो वक्त आने दे, या वो घड़ी आने दे, या वो घंटा आने दे। तो वक्त कहते हैं आवर को, आवर का मीनिंग है एक घंटा, 60 मिनट की मुद्दत। ठीक है, 60 मिनट की जो मुद्दत होती है उसको, जो ड्यूरेशन होती है उसको आवर कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बस, ठीक है।